दोस्तों, क्या आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहे हैं कुछ टाइम से? मेरे साथ भी यही घटना चल रही है। मैंने इवन यूट्यूब की टीम से बात करी थी तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया जो मुझे सही नहीं लगा। अब उन्होंने मुझे आंसर क्या दिया है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रूफ्स के साथ में। तो वीडियो तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जरा इंट्रो देख लेते हैं। तो देख लीजिए, एक बार मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दे देता हूँ। मैं सोशल ब्लेड के ऊपर आया हुआ हूँ और मैंने अपना खुद का जो अकाउंट वो चूज किया है। आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो 23 तारीख थी ना, 23 दिसंबर, उस दिन मेरे एग्जैक्टली 100 सब्सक्राइबर्स गायब हो गए, ठीक है। फिर 24 दिसंबर की बात है, उस दिन भी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स गायब हो गए, एग्जैक्टली 100, ना एक कम ना ज्यादा। तो यहाँ मेरे को शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये 100 एग्जैक्टली इसी नंबर में ही गायब क्यों हो रहे हैं। फिर 27 को क्या हुआ, फिर से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स गायब हो गए। और आज की ही बात है, यानी कि आज संडे है और 3 तारीख है, 3 जनवरी है, और आज भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं 100 के आसपास गायब हो गए। तो भाई ये 300-400 सब्सक्राइबर्स मैं खो चुका हूँ, तो ये इनका रीज़न क्या है भाई, हो क्या रहा है मेरे साथ? तो मैंने इसको लेके क्या है कि यूट्यूब टीम इंडिया जो है, मैंने इनको ट्वीट किया। ट्वीट मैंने बेसिकली ये किया था कि डियर टीम, व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली लूजिंग एग्जैक्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन डेली बेसिस, ठीक है। इट्स प्रीटी टफ टू गेट बट सो इजी टू लूज, माई चैनल लिंक इज -- काइंडली डू समथिंग। मैंने उनको बोला कि भाई मैं क्यों लगातार 100 सब्सक्राइबर्स लॉस किए जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है एक एक सब्सक्राइबर्स गेन करना, लेकिन बहुत आसान है इनको खो देना, ठीक है। अगर मैं मान लेता कि 5, 6, 10, 15, 20 होते कोई, या फिर ओड अमाउंट ओड नंबर भी होता, तो मैं मान लेता कि भाई मेरे खुद की गलती से हो सकता है कि ये लोग अनसब्सक्राइब किए जा रहे हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट नंबर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इनको बोला भाई कुछ कीजिए। तो कुछ टाइम के बाद में इनका रिप्लाई आया, रिप्लाई ये था, थैंक्स फॉर द टैग, असाइड फ्रॉम पीपल सब्सक्राइबिंग एंड अनसब्सक्राइबिंग आर सिस्टम वर्क्स टू एंश्योर दैट योर सब काउंट इज 100% एक्यूरेट बाय रिमूविंग क्लोज्ड एंड स्पैम अकाउंट्स। YouTube में मुझे बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, बंदा खुद चाह के सब्सक्राइब करे या फिर बंदा खुद चाह के अनसब्सक्राइब करे, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एंश्योर करते हैं कि भाई आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो 100% जेन्युइन हो और 100% एक्यूरेट हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लगातार जो स्पैम अकाउंट्स हैं, स्पैम यानी जो कतरा फैलाने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एग्जैक्टली वो वॉचर्स नहीं है, वो व्यूवर्स नहीं है, वो आपको वीडियो देखते नहीं है, वो वीडियो के ऊपर आए, अपना एक कमेंट डाला, वहाँ पे वीडियो को उसने 30 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं देखा, अपना कमेंट डाला, वहाँ से निकल गए, तो उस बंदे को क्या है कि आपके कंटेंट से कोई मतलब नहीं, वो बस वो सेल्फ प्रमोशन कर रहा है। तो ऐसे बंदों को हम लोग यूट्यूब पे स्पैम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आया, डिसलाइक करके चला गया, तो ऐसा बंदा जिसने आपके वीडियोज़ को 1 मिनट भी नहीं देखा, कम से कम 1 मिनट देखना ज़रूरी है दोस्तों, 1 मिनट भी अगर किसी बंदे ने आपके वीडियोस को नहीं देखा और सीधा आके डिसलाइक किया, सब्सक्राइब किया और उसको क्या कर दिया, वहाँ पे एक कमेंट डाल के चला गया, तो यूट्यूब क्या करता है, ऐसे बंदों को स्पैम काउंट करता है और ऐसे बंदों को अपने आप ही अनसब्सक्राइब करा देता है। और यही रीज़न है कि जो सब फॉर सब हम लोग करते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स गेन होने के बाद कुछ टाइम के बाद में ही हट जाते हैं, क्योंकि वो बंदे क्या करते हैं, बिना कंटेंट को देखे ही 1-2 मिनट का वॉच टाइम दिए बिना ही सब्सक्राइब कर देते हैं, तो यूट्यूब इनको स्पैम मान के हटा देता है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ बंदे हैं जिन्होंने अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको दे दिया, यानी कि उन्होंने आपको सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनके जो अकाउंट थे वो क्लोज हो गए, यानी बंद हो गए, ठीक है। तो ऐसे बंदे भी क्या डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद में यूट्यूब इनको स्पैम अकाउंट करके हटा देता है। तो इसकी वजह से यूट्यूब मुझे बोलता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो स्पैम में आ रहे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो बिना मेरे वीडियोस को देखे या फिर 1 मिनट से कम टाइम स्पेंड किए मुझे सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें स्पैम काउंट करके हटा दे रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जहाँ आपको पता होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 40 सेकेंड का एक ऐड रन किया था, इन स्ट्रीम ऐड, जो कि स्किप हो सकता था, तो क्योंकि वो 40 सेकंड का ऐड था, वहाँ से लोगों ने सब्सक्राइब के जो लोगो था उस पर क्लिक किया, सीधा मेरी जो पेज था, जो मेरा चैनल था, वहाँ पे लैंड हुए और सीधा सब्सक्राइब मार दिया।
वीडियो देखा तो ना 40 सेकंड वाला, लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने कर दिया। तो क्योंकि वॉच टाइम एक मिनट से कम था, इसलिए वो लोग क्या है, अपने आप ही अनसब्सक्राइब हुए जा रहे हैं। हालांकि वो स्पैम नहीं है, मैंने पैसे लगाए हैं उन लोगों के ऊपर जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन YouTube उनको स्पैम मान रहा है क्योंकि उन्होंने 40 सेकंड की ही वीडियो देखी थी, एक मिनट का वॉच टाइम भी नहीं दिया था। सो दैट्स वाई यूट्यूब इज कंसिडरिंग दोज सब्सक्राइबर्स स्पैम और वो रिमूव किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे 1-2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी गायब हो सकते हैं दोस्तों, उस स्पैम काउंट होने की वजह से, ठीक है। और आगे जाके वो बढ़ भी जाएंगे क्योंकि उनको स्पैम तो काउंट कर लिया गया, लेकिन वो मेरे वॉचर्स थे, जो व्यूवर्स थे, उन्होंने वीडियो देखा है, तो आगे जाके उनके पास इंप्रेशन जरूर जाएगा। जैसे इंप्रेशन जाएगा, वीडियो ओपन करेंगे, सब्सक्राइब नहीं दिखेगा तो सब्सक्राइब करेंगे और वॉच टाइम वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितने मेरे जो सब्सक्राइबर्स वो गायब हो रहे हैं, वो आगे जाके वापस आ जाएंगे। अगर आपके भी सब्सक्राइबर्स ऐसे गायब हो रहे हैं तो भाई यूट्यूब उनको स्पैम मान रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ने यहाँ पे क्या आंसर दिया है, और ये जो आंसर है ये मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो जेन्युइन व्यूवर्स थे भाई, वो मेरा ऐड देख के आए हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो दे दिया, लेकिन अच्छा आंसर नहीं दिया भाई, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, आपको बताना था कि भाई क्यों गायब होते हैं ऐसे, क्या रीज़न है, क्या रीज़न सही है फिर गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो उसको लाइक कर देना, फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल सके। मैं दीपक सोलंकी आपसे अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बस 5-6 सेकंड और दे दीजिए, कुछ काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, अगर आपको एकदम इमरजेंसी मुझसे कुछ काम ही है, तो आप कॉल मी 4 पे इस आईडी पे जाके मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल मी 4 एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड iOS के लिए अवेलेबल है, जाके डाउनलोड करें और मुझे इस आईडी पे आप कॉल कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी टीम को हायर करना है ताकि वो आपके चैनल को, आपके कंटेंट को, आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को प्रमोट कर सके गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के द्वारा, तो इन व्हाट्सएप नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरी टीम के पर्सनल नंबर है। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इन सब के लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो के सभी अपडेट्स मिल सके। मैं दीपक सोलंकी आपसे अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।